म्यूजिक सिखाया नहीं जाता। जब तुम्हें दर्द होगा ना तो अपने आप म्यूजिक सिखा। प्लीज लीव। ये गाना हमारा है और मैं आज आप सबको बहुत सारे उन लोगों से मिलाने वाला हूँ जिनके वजह से ये गाना बना है और जिनकी वजह से ये गाना आप लोगों तक पहुँचा है। सो आई एम गोना मेक यू मीट माई एंटायर टीम। विल स्टार्ट विथ नौशाद भाई। नौशाद भाई इज़ अ पर्सन हु हैज़ रियली चेंज्ड माई लाइफ। आफ्टर माई फादर आई रियली लुक अप टू हिम। ही हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी इन माई लाइफ और मुझे हर जगह मेरी आई थिंक अगर नौशाद भाई नहीं होते तो मेरा करियर जो आज जहाँ पहुँचा है वहाँ उस लेवल पर नहीं पहुँचा है। नहीं आई एम जस्ट आई डोंट कम यार। So here's Naushad bhai. Hi, hi everyone. Hi, good morning, good morning. And मुझे बहुत विश्वास है कि जिस तरह से दर्शन ने आप लोगों के लिए मानसून सॉन्ग पे मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया और अपना वादा पूरा किया है कि हर बारिश में गाना लेके आएगा। And I hope सारे दर्शन के फैंस, दर्शन के चाहने वाले, ब्लू फैमिली, ऑल द दर्शनर्स, you will definitely love the song. इसको ज़्यादा से ज़्यादा share करिए, likes करिए, comment करिए, and I'm sure you will love the song. और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, मेरे से ज़्यादा आप लोग ध्यान नौशाद भाई रखते हैं कि उनको ये पसंद नहीं आएगा, आपको तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। बिल्कुल। और बारिश के लिए अगर बात करें तो आई थिंक वेन द बारिश सॉन्ग स्टार्टेड दिस वे, नौशाद भाई ने सबसे पहले आई वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग और उस वक्त नौशाद भाई उन्होंने कहा कि ये तुम सुनो कुछ तुम्हारे लिए, आई हैव गॉट गिफ्ट, वैसा चक्कर था। और हमने गाना सुना, पहले मैंने सुना, मैंने कहा नौशाद भाई हियर इट अगेन एंड अगेन, 10 से 15 बार हम लोगों ने गाड़ी में बैक टू बैक सुना। मैंने कहा नौशाद भाई मुझे ये गाना गाना है, आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग एंड दिस इज द सॉन्ग, ये बारिश में ये गाना है। और उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड कमिंग अप इन द टीम एंड आई थिंक नौशाद भाई नहीं होते तो आज ये गाना इस टाइम पर आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता। वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सोनी म्यूजिक, उनके सपोर्ट से आई थिंक इफ द सॉन्ग इज नाउ गोइंग टू रीच टू एवरीबॉडी, हम लोग we have done all our hard work. So now I'm calling Sandeep Goswami the man. इन्होंने आज white पहना है और मैंने black पहना है, white and black. So this is the man, इन्होंने गाना बनाया है बारिश लेते आना, and I think he's the man, he needs all the words आज. He's a composer, love. और आप सब मैं संदीप भाई, I would like you to say something about the song and tell people how you made this song, कैसे ये गाना बना और कैसे आपको लगा कि दर्शन रावल की आवाज इसमें थोड़ी फिट हो सकती है, और क्या दर्शन ने जस्टिस दिया है इस गाने को या किया है? नहीं नहीं, जस्टिस तो कमाल का दिया है। okay. और मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरू हुआ था गाना ये तो बारिश भी हो रही थी, और फिर जब एक फर्स्ट लाइन आई और जब मैंने नौशाद भाई से शेयर किया वो गाना, फिर मतलब पहला इंस्टिंक्ट ये हुआ कि दर्शन का जो वोकल लो टेक्सचर में आएगा, उसके बाद जो हाई आएगा, तो वो जो पूरा ग्राफ निकल के आएगा वो कमाल का आएगा। और मुझे मतलब आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये इस गाने के बाद तो मतलब कुछ हम लोग इतना डिस्कस करते थे ना, हम लोग बैठ के आई यूज टू कॉल हिम ऐसे कि भाई ये बहुत बड़ा गाना है। मैं यूज टू कॉल हिम रैंडम टाइम्स पर, रात को कभी कॉल करता था, एंड इट्स अ फैक्ट हम लोग कॉल पे यूज टू डिस्कस कि भाई इसमें आवाज़ कैसी चाहिए, कैसे करेंगे, और बड़े आराम से करना पड़ेगा। उसके बाद ही ऑल्सो वेटेड अ लॉन्ग बिकॉज मेरा हम लोग वेट के वो एक प्रॉपर गला जब आपका एक वो जोन में होता है तभी, एंड हमने पहले भी रिकॉर्ड किया था हमने। उसके बाद भाई ने कहा कि भाई एक और बेटर हो सकता है, मैंने कहा भाई इससे बेटर नहीं हो पाएगा, बोले हो सकता है आप टाइम ले लो बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट आया, उसके बाद 2-2.5 घंटे लग गए एक लाइन गाने को, बट दैट्स हाउ वी गॉट द स्टार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड वी recorded this song, and I would really like to thank him for giving me such a beautiful song and making me sing this song. और अब हम नवीन भाई को बुलाएंगे। नवीन भाई, हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई है नवीन भाई से, but नवीन भाई नवीन भाई has written this song, and I think इस गाने का जो सबसे बड़ा charm है, the charm of this song is the lyrics. इसके जब आप lyrics सुनेंगे video के अंदर and the audio as well, you guys are gonna love it because मैं इस गाने के lyrics से अभी तक बाहर नहीं आया। How did you write this and what What do you want to say to everybody? कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं करना चाहूँगा, कुछ नहीं, ये पूरी तरह दिल का मामला था। संदीप ने मुझे पहली लाइन सुनाई थी और उसका क्रेडिट मैं लूंगा नहीं झूठा, पहली लाइन संदीप की थी, आती हो तो बारिश लेते आना। अब वो बारिश की जो बूंदें और छींटे हैं वो ज़मीन पे पड़ने तक, ऊपर से नीचे तक, वो सफ़र था मेरा, वो पूरा करना था। तो वो पूरा हो सकता था दिल से, दिल का आदमी हूँ, इमोशनल हूँ, बहुत प्यार किया है, बहुत दिल टूटे हैं। और यकीन करना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मज़ा प्यार करने में है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा ना दिल टूटने में। इश्क में मेरे ख्याल से दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आदमी से इंसान बनते हैं। तो
ये इंसान बनने का सफर था और मजा आया, और मैंने अपने आसपास इतने सारे दोस्तों को देखा है जिनके दिल टूटे हुए हैं। वो कई बार बोलते हैं कोई एंथम लिखो, कोई दिल पे कोई एंथम लिखो टूटे दिल पे, तो ये एक एंथम है टूटे दिल का। तो और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब चीज़ें ट्रैक पे होती हैं ना, जब सुर मिलते हैं सबके एक साथ, ये वो मोमेंट है। ये संदीप की ब्यूटीफुल कंपोजिशन और दर्शन की मैंने आवाज़ कल ही सुनी पहली बार, अदरवाइज मैं इससे पहले संदीप की आवाज़ में सुनता आया गाना। तो कई बार आप बायस्ड हो जाते हो ना, आपको लगता है कि यार पता नहीं जिस आवाज़ की इतनी आदत पड़ गई है दर्शन कैसा करेगा, एंड दर्शन हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। थैंक यू। तो मैं एक टाइम पर मेरे लिए एक वो हो गया था कि क्या मैं वो दे पाऊंगा इस गाने को, विल आई बी एबल टू सिंग द वे यू हैव सांग, बिकॉज व्हेन अ कंपोजर सिंग्स अ सॉन्ग तो ही गिव्स ऑल हिज हार्ट बिकॉज इट्स हिज बेबी, तो वो जस्टिस देना, तो इट वाज अ बिग बिग थिंग फॉर मी एज वेल। तो आप लोग और सब बताएंगे इफ आई हैव डन जस्टिस टू द सॉन्ग। अरे एनी टाइम। तो भाई मैं तो अब ये कह के अब विदा लूंगा कि दर्शन, संदीप, मैं, हम तो जो हैं ही, लेकिन इसके पीछे एक आदमी और है जिसने थोड़े से पैसे लगाए हैं। पैसे और दिल भी लगाया। दिल भी लगाया। दिल लगाया। दिल लगाने के लिए हमें आप पैसे लगाते रहो। तो हमारे नौशाद भाई जो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पारखी होना बहुत जरूरी है। अरे अच्छे गानों का पारखी होना, ये वैसे ही है कि उस सोने की, हीरे की, जवाहरात की कोई कीमत नहीं है अगर वो सही सुनार के हाथ में है, तो सही पारखे आदमी के हाथ में होना बहुत जरूरी है। मुझे तो नौशाद भाई से डर लगता है कि बिकॉज मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो जिस तरह से मुझे मेरी जिंदगी में रिस्क लेना, आई थिंक गोइंग लाइफ, लिविंग द लाइफ ऑन द एज, आई थिंक नौशाद भाई हैज रियली टॉट मी, क्योंकि मैं तो आई गेट वेरी अफ्रेड जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों से। दिस इज अ मैन हु हैज टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। सो ऑल द बेस्ट टू द टीम, और आप सबका प्यार बहुत जरूरी है इस गाने के लिए। Thank you so much. Thank you. Lots and lots of love. And just say that I would. Rupa has also come in. There's one more. बहुत सारे और लोग हैं जिनसे मैं मिलाऊंगा. Rupa bhai is a genius music producer. जो आप बहुत सारे Bollywood गाने इन्होंने किए हैं. And he has given music to this song. जो आप पीछे पूरा music सुन रहे हैं. The violin and every that haunting thing in this song is done by him. Bhai, say hi to everybody. Hi everybody. How was your experience making this song? ये गाना संदीप ने जब भी दिया था कंपोजिशन, yes. तभी हम लोग ने डिसाइड किया था इसको कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, मुझे बैलेंस काइंड ऑफ सॉन्ग। तो फिर जस्ट पियानो से स्टार्ट किया था गाना, बाद में जाके अभी इस पोजीशन में। इसमें एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज लाइक ये एक जब गाना आप सुनेंगे तो उसके अंदर आपको एक खालीपन नजर आएगा उस गाने की मेलोडी में, उस गाने के लिरिक्स में, एंड वो खालीपन म्यूजिक में भी लाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक भाई हैज क्रैक्ड इट। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एंड अभिषेक सिन्हा इज हियर द मैन, इनके बारे में मैं जितना कहूँ, आप लोगों ने भाई का काम सबसे पहले तेरा जिक्र देख लिया, इज अ रॉक स्टार। एंड भाई No, you tell everybody ke kaisa, how was your experience making this song, what all did you? So Darshan make me hear this song like almost 2 months back, and usne apni gaadi mein mujhe ye gana sunaya, aur hum log ye gaadi mein at least 15 baar lagatar non stop sunte rahe, aur the song just grows on you. So main sunne ke baad bola ki yaar it's a lovely song, someday we will do it, aur hum banayenge isko zarur। और कुछ 10 दिन पहले जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ही केम टू सी मी, और इसने बोला भाई बारिश जाने से पहले वीडियो बना ले, तो हम लोग वी जस्ट सैट दैट डे एंड वी वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट। आई वाज रियली नॉट फीलिंग वेल, बट आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्लैड के भाई केम आउट एंड ही सेड कि नो नो आई विल डू इट। मैंने कहा भाई उनका जब मैंने कॉल 10 दिन बाद मेरी बात हुई, हिज वॉइस वॉज सो वीक, मैंने कहा भाई आई एम सो स्केर्ड, मैं आपको आई एम कॉलिंग एंड टेलिंग यू दिस, इसे कि नहीं नहीं तू बता मैं आता हूँ मिलने, एंड सो आई एम रियली ऑनर्ड एंड थैंक यू ब्रदर। एंड आप बताइए कि आपके जो एक्टर हैं वो कितने टाइम पर आते हैं? मैं सबसे जल्दी सबसे पहले सेट पर आता हूँ, इज द लास्ट वन, मैं आई कम 3 घंटा पहले।
सो दर्शन मेरे को पहले लगता था कि तेरा जिक्र तब मेरे को तक लगता था कि ये अच्छा सिंगर है, तेरा जिक्र में मुझे पता चला कि एक्टिंग कर सकता है, और अब मुझे लगता है कि ये एक्टर कम सिंगर है, क्योंकि ऑन सेट व्हेन आई एम ऑन हिज एक्सिस, जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रेस कम रहता है, मुझे मालूम है कि मैं इसको जो बोल रहा हूँ वो ये कर लेगा, तो आई एम वेरी ग्लैड व्हेन आई हैव समवन लाइक सो कोऑपरेटिव हु इज सो डिटरमिन्ड एंड सो डेडिकेटेड पंक्चुअल, एंड पंक्चुअल के तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि जो भी टाइम दर्शन को दिया जाए उससे वो एक डेढ़ घंटा लेट ही आता है, वो सेलिब्रिटी चीज है जो उसने अभी ऑलरेडी अडैप्ट कर ली है, नहीं वो ट्रैफिक इतना होता है ना उसके वजह से, तो वो आते आते बारिश भी लेके आता है, ट्रैफिक भी लेके आता है, बारिश भी लाना है साथ में, तो वो है एंड मुंबई का ट्रैफिक आपका सेलिब्रिटी बनाता है, करेक्ट, सो इट वाज फन, वी हैड लॉट ऑफ फन डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस ट्रैक इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट, Yes. So, हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया है। So, here's Nityami. हम Nityami को प्यार से मिष्टी बुलाते हैं। पासपोर्ट पर Nityami है। So, now you decide you want to call her Nityami or Mishti. He prefers Mishti. I like Mishti because वो Nityami बहुत लंबा हो जाता है। So, now Mishti. And don't mind guys, he's all yours. I'm just in a song with him, I know. Let me just clarify that. और हमने ये तो हम अभी हम टच भी कर रहे हैं वीडियो में, हम इतने डिस्टेंस पर खड़े थे, हम जैसे पास आ रहे थे, तो हमने वीडियो में we kept them like far away, so that if you see the video you will realize कि why they are so far away, because it's a heartbreak song, it's not supposed to be together. इस बार स्टोरी के सबसे पहले स्टोरी कुछ ने पहले ये दिखा गया, लड़का और लड़की पास में नहीं आएंगे, तो हम दूर खड़े थे, दूर से बात कर रहे थे, जो जैसे ही पास में आते थे लोग चिल्लाते कि अरे करीब आ गए हैं, करीब आ गए हैं. So yes, but it was amazing, amazing working with him. And I didn't break his heart. He breaks my heart. Let's see what happens. But I really enjoyed working with Mishti. We had fun. We really enjoyed. Fun. Bye. God bless everybody. Spread love. Chalo.